हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अमित सिंह। कल हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। क्लियर, हमने पढ़ा था एंड्रोशियम के बारे में और उसकी यूनिट को हमने डिटेल में स्टडी किया था, स्टेमेन। ठीक है, फिलामेंट और एंथर के बारे में हमने देखा था। क्लियर है, तो लास्ट हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ था एंथर पर। आज हमें एंथर को आगे डिटेल स्टडी करनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर है, तो यहां तक अभी तक हमने एंथर के बारे में देख लिया था, आज हम उसकी डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहां पे हम ये अपना टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, और ये दूसरी फॉर्म में भी लिखा हुआ मिलता है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, इस तरह से भी मिलता है लिखा हुआ बुक्स में, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। क्लियर है, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब बात आती है ना स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की, तो सबसे पहले जब मैंने कल आपको बताया भी था, एक टर्म शायद वहां पर लिखाई थी और नहीं भी लिखाई थी, तो आज मैं बता रहा हूं आपको। फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एंथर होता है बेटा, ये टेट्रागोनल होता है। टेट्रागोनल का मतलब होता है फोर साइडेड, है ना। ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास फोर साइड हैं उसे बोलते हैं टेट्रागोनल। तो ये जो हमारा एंथर है, जो हमने कल डिटेल स्टडी किया था, वो एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। फोर साइड्स प्रेजेंट होती हैं जब हम उसे ट्रांसवर्स सेक्शन से कट करते हैं। देखिए, ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब होता है, कट करने का मतलब इस तरह से, जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग कट करते हैं तो एक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑब्टेन होता है। जब आप उसे ऐसे ऑब्जर्व करके देखेंगे तो आपको क्या क्लियर दिखाई देता है, फोर साइड्स दिखाई देती है। इसीलिए एंथर के स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहला पॉइंट जो ऑब्जर्व किया है वो है टेट्रागोनल। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट अब हम क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं, नेक्स्ट में हमें देखना है कि ये जो एंथर है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, कितनी लेयर से कवर है, कितनी लेयर से बना हुआ है। तो यहां लेयर्स का डिस्कशन आने वाला है डिटेल में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से कॉम्पिटिशन एग्जाम में। क्लियर, और बोर्ड के बेसिस पे तो एक कंप्लीट टॉपिक है ये, है ना, एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर या स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये कंसिस्ट करता है बेटा फोर लेयर्स है। क्लियर है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में हम सबसे पहला पॉइंट यही लिख सकते हैं, ये कंसिस्ट ऑफ फोर लेयर्स, ये फोर लेयर्स है मिलके बनता है। अब देखिए, जो फोर लेयर्स है इनका डिस्कशन करना हमें, तो यहां पे हम सबसे पहली लेयर का डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट लेयर है यहां पे एपिडर्मिस। ठीक है, फर्स्ट लेयर का डिस्कशन हम स्टार्ट कर रहे हैं जो है एपिडर्मिस। देखिए, इसके बारे में मैं तीन पॉइंट आपको बताने वाला हूं। एपिडर्मिस एक तो आउटर मोस्ट लेयर होती है और प्रोटेक्शन का काम करती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। हम क्या बोलेंगे सिंपल यहां पर, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। ये नोट करके चलिएगा भाई यहीं से, है ना, जैसे भी आपको नोट करना है, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके करके चलिएगा, नोट्स अलग से नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, यहीं पे जब अपना हम अपना कंप्लीट टाइम यहीं पे लगा रहे हैं, तो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये होती है सिंगल सेल थिक लेयर होती है। तो देखिए, दो पॉइंट हमने एपिडर्मिस के बारे में स्टडी किए। फर्स्ट इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, सबसे बाहर की लेयर है। सेकंड है सिंगल सेल थिक लेयर, ये एक सिंगल सेल थिक लेयर, इसकी जो थिकनेस होती है वो एक सेल के बराबर होती है। और लास्ट है ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस लेयर, है ना। तो देखिए, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिया। क्लियर है, एपिडर्मिस हमारा कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाला हूं मैं, बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, उस एग्जाम्पल को देखते हैं बेटा। आर्सीथोबियम,
ठीक है, इसका नेम क्या है बेटा, आर्सीथोबियम। आर्सीथोबियम ये एक एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में एक अलग सा पॉइंट देखा जाता है, वो पॉइंट ये है, इसकी जो एपिडर्मिस होती है, इस पर्टिकुलर फ्लावर की एपिडर्मिस जो होती है उसमें एक स्पेशल थिकनिंग्स मिलती है अल्फा सेलुलोज की। अल्फा सेलुलोज के फाइबर्स डिपोजिट हो जाते हैं एपिडर्मिस लेयर के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे उस लेयर के डिपोजिशन के बाद यहाँ पे एपिडर्मिस नहीं बोला जाता, यहाँ पे उसका नेम चेंज हो जाता है, बोला जाता है एक्सोथीशियम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अल्फा सेलुलोज फाइबर्स डिपोजिट ओवर एपिडर्मिस, ठीक है, अल्फा सेलुलोज फाइबर्स डिपोजिट ओवर एपिडर्मिस, और उसके बाद उसका जो नेम होता है डिपोजिट होने के बाद, उसे एपिडर्मिस ना बोल के एक्सोथीशियम बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है बेटा, उसे बोला जाता है एक्सोथीशियम। क्लियर है, अल्फा सेलुलोज फाइबर्स डिपोजिट हो जाएंगे एपिडर्मिस के ऊपर, और उस लेयर का नेम फिर आर्सीथोबियम में एपिडर्मिस ना बोल के एक्सोथीशियम बोला जाता है। क्लियर है यहां तक, ये आर्किथोबियम। और जब इसका नाम आया है तो इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं, कल स्किप हो गया था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, ये देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड ये है आर्किथोबियम से, कि इसके अंदर सिर्फ एक ही चैम्बर होता है इसके एंथर में। कल हमने क्या देखा था कैप्सुला में, कि एंथर है, एंथर के अंदर चार कैविटीज हैं, चार चैम्बर हैं, चार पोलन्स है, चार माइक्रोस्पोरेंजियम है। क्लियर, एक ही मीनिंग है सबका, मैंने अलग अलग टर्म्स में बता दिया। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चैम्बर होता है, एक ही पोलन सैक होता है, एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। वहां आपने देखा था टेट्रास्पोरेंजिएट, और यहाँ पे बोला जाएगा मोनोस्पोरेंजिएट। और ये मोनोस्पोरेंजिएट क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज बताइए, बिकॉज वन पोलन सैक पर एंथर, एक एंथर में एक ही पोलन सैक यहां पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे क्या बोला जा रहा है बेटा, मोनोस्पोरेंजिएट। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एपिडर्मिस हमारी कंप्लीट हो गई, फर्स्ट लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कॉन्टिन्यूस लेयर होती है। क्लियर है यहां तक, अब हम आ जाते हैं सेकेंड लेयर पे। हमारी सेकेंड लेयर है एंडोथीशियम, सेकेंड लेयर है एंडोथीशियम। ये जो हम डिस्कशन चल रहा है ना, ये बेटा आउट टू इन, ये डिस्कशन चल रहा है, आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ डिस्कशन चल रहा है। मतलब सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, और सबसे अंदर की जो लेयर आएगी उसे सबसे बाद में पढ़ाया जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से अरेंजमेंट चल रहा है, सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, उससे अंदर वाली लेयर है एंडोथीशियम। अभी डायग्राम बनाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा ये। क्लियर है, एंडोथीशियम। अब देखिए एंडोथीशियम की जब बात करते हैं, ये सिंगल सेल थिक लेयर होती है, ये भी, जैसे ये भी सिंगल सेल थिक लेयर थी, ये भी सिंगल सेल थिक लेयर है। तो यहां भी हम फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं अपना शॉर्ट में, सिंगल सेल थिक लेयर, ये सिंगल सेल थिक लेयर होती है। क्लियर है, सेकंड पॉइंट अब हम यहां पे डिस्कस करते हैं, जब ये मैच्योर होती है, ठीक है, ये लेयर, ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ एंथर, जब एंथर का मैच्योरेशन पीरियड चल रहा होता है, उस टाइम पे इस लेयर के जो सेल्स हैं उसकी वॉल्स में कुछ चेंजेस होते हैं। सेल की वॉल है ना, सेल की आउटर बाउंड्री को वॉल्स बोलते हैं, उसमें जो चेंजेस होते हैं वो यहां पे हमें देख रहे हैं। ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ एंथर वेरियस चेंजेस टेक्स प्लेस इन द वॉल ऑफ द सेल्स, ठीक है, सेल्स की वॉल में कुछ चेंजेस होंगे। अब क्या चेंजेस होंगे वो देख लेते हैं यहां पे। पहले तो मैं ये वाला पॉइंट लिख देता हूं, है ना, जो अभी मैंने बताया, ड्यूरिंग मैच्योरेशन के टाइम पे क्या होंगे, वेरियस चेंजेस, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस होंगे। अब ये चेंजेस कहां पे होंगे बेटा, ये भी मैं लिख देता हूं, वेरियस चेंजेस कहां पे होंगे, ये होंगे वॉल में, किसकी, सेल की, ठीक है, इन द वॉल्स ऑफ सेल, सेल की वॉल में चेंज होंगे। एंडोथीशियम के जो सेल्स हैं उसकी वॉल में बहुत सारे चेंजेस होंगे जब एंथर मैच्योर होता है उस टाइम पे। वो चेंजेस क्या है देखिए, अब मैं एक हल्का सा यहां पे बता देता हूं रफली। सपोज ये सेल, कोई एक सेल है, तो इस सेल की देखिए कितनी वॉल है, 1 2 3 4, सपोज है ना, इसे मैंने मान लिया आउटर वॉल, इसे मैंने मान लिया इनर वॉल, और ये साइड वाली वॉल्स होती है ना, इन्हें बोला जाता है रेडियल, इन्हें क्या बोला जाता है, रेडियल
रेडियल वॉल ये, और ये भी क्या होगी रेडियल वॉल। तो रेडियल वॉल, इनर वॉल और आउटर वॉल ये हमें दिखाई दे रही है सेल में, एंडोथीशियम के सेल में। अब यहां पे कुछ चेंजेस होने वाले हैं, वो चेंजेस इन वॉल्स में ही होने वाले हैं। पहला चेंज क्या है देखिए, पहला चेंज लिख देता हूं मैं यहां पे, यहां पे लिख देते हैं इस पॉइंट को। जो ये आपकी जो आउटर वॉल है इसमें कोई चेंज नहीं होता, तो मैं यहां पे लिख देता हूं आउटर वॉल रिमेन थिन, ये एज इट इज रहती है जैसी है, आउटर वॉल में कोई चेंज नहीं होता, थिन रहती है। लेकिन ये जो आपकी बेटा ये वॉल है ना, इनर वॉल और रेडियल वॉल है ना, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं इनर एंड रेडियल वॉल। यहां पे क्या होता है, इनर वॉल रेडियल वॉल पे डिपोजिट हो जाता है अल्फा सेलुलोज के फाइबर्स, डिपोजिशन ऑफ अल्फा सेलुलोज फाइबर्स। अल्फा सेलुलोज और कैलोज बैंड दोनों ही क्या है बेटा, ये पॉलीसेकेराइड्स हैं, क्लियर है, ये दोनों ही क्या है पॉलीसेकेराइड्स हैं। ये हम केमिस्ट्री में भी देखेंगे, एक चैप्टर आएगा बायोमोलिक्यूल, एक चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल, वहां पे डिस्कस किया जाता है पॉलीसेकेराइड्स, इनके स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, हमें तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो एंडोथीशियम की जो सेल्स हैं उसकी आउटर वॉल रिमेन्स थिन, और इनर और रेडियल वॉल जो होती है उस पर डिपोजिट हो जाता है कौन, अल्फा सेलुलोज के फाइबर्स आगे डिपोजिट हो जाते हैं, और डिपोजिट होने के बाद ये यहाँ पे डिपोजिट हो जाएंगे और यहाँ डिपोजिट हो जाएंगे रेडियल वॉल पे और इनर वॉल पे डिपोजिट हो जाएंगे ये, ठीक है, कौन अल्फा सेलुलोज के फाइबर्स जो एक पॉलीसेकेराइड है, क्लियर है, आउटर वॉल में कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और डिस्कस किया गया है, लास्ट पॉइंट बता देता हूं मैं ये भी, यहाँ पे क्या है कैलोज बैंड, CALLOSE, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलोज बैंड, ये जो बैंड है ये भी डिपोजिट हो जाता है, लेकिन ये डिपोजिट कहां पे होता है, इनर वॉल पे नहीं होता, रेडियल वॉल पे होता है। कैलोज बैंड डिपोजिट ऑन रेडियल वॉल, ये रेडियल वॉल पे डिपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक हमें समझ में आया या नहीं आया, आई थिंक मुझे समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई मैंने नई बात तो बताई नहीं इसमें, कि कैलोज बैंड है ये डिपोजिट हो जाता है कहाँ पे, रेडियल वॉल्स पे डिपोजिट हो जाता है, जबकि जो हमारा ये है अल्फा सेलुलोज फाइबर है रेडियल वॉल पे भी डिपोजिट होता है, और रेडियल वॉल पे भी डिपॉजिट होता है, और ये कहाँ पे डिपॉजिट होता है, इनर वॉल पे भी, दोनों पे डिपॉजिट होता है, क्लियर है यहां तक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, है ना, यहां तक तो क्लियर है। अब इसमें एक चीज और देखी गई है बेटा, ये जो अल्फा सेलुलोज और कैलोज बैंड है, जो पॉलीसेकेराइड है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है वाटर को होल्ड रखने की कैपेसिटी, जो वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं उसे हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोला जाता है, क्लियर है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा सेलिजिनिला, है ना, जब आपने प्लांट किंगडम पढ़ा होगा तो वहां पे भी आई थी एक प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब ये होता है, एंडोथीशियम हाइग्रोस्कोपिक नेचर शो करती है क्योंकि वहां पे पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट है। पॉलीसेकेराइड्स एक तो कैलोज बैंड है और एक अल्फा सेलुलोज फाइबर्स हैं, इसकी वजह से इसका नेचर हो जाता है हाइग्रोस्कोपिक, है ना। यहां से मार्क करके इस तरह से लिख देता हूं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है बेटा, ध्यान रखना, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी, क्लियर है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, क्लियर हो गया, एक लास्ट पॉइंट है, दोनों लेयर हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। लास्ट पॉइंट ये है, अल्फा सेलुलोज फाइबर्स और कैलोज बैंड एंडोथीशियम की लेयर्स में प्रेजेंट है, डिपोजिट है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं एंडोथीशियम में, कुछ जगह ऐसी देखी गई हैं जहां पे इनका डिपोजिशन नहीं होता, जहां पे ये आके डिपोजिट नहीं होते, कौन, कैलोज बैंड और अल्फा सेलुलोज फाइबर्स। तो जहां पे ये डिपोजिट नहीं होते वहां पे जो वॉल्स हैं वो थिन होती हैं। वो आपकी वॉल्स कैसी होती है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था कहीं, ये रहा, वो वॉल्स थिन होती है जहां पे डिपोजिशन नहीं होगा। जब थिन होंगी वो वॉल, तो एक प्रेशर डेवलप होता है। देखिए अंदर क्या है, कैविटी में क्या बन रहा है, पॉलन ग्रेन्स बन रहा है, माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक प्रेशर डेवलप होगा, और एक प्रेशर ये डेवलप करेगा हाइग्रोस्कोपिक नेचर, नेचर से क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और एक प्रेशर डेवलप करेगा, तो उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो वॉल है एंथर की वो ब्रेक होगी। अब ब्रेक कहां से होगी, जहां पे वॉल क्या होगी, थिन होगी, क्योंकि बाकी जगह तो क्या है, डिपोजिशन है अल्फा सेलुलोज का और
कैलोज बैंड का, तो जहां पे डिपोजिशन नहीं होगा वहां से क्या होगी, ये वॉल ब्रेक हो जाएगी इस प्रेशर की वजह से, ये ब्रेक होगी और पॉलन ग्रेन्स हमारे नेचर में आ जाएंगे और पॉलिनेशन अचीव हो जाएगा। क्लियर है? अब उस रीजन को क्या बोलते हैं जहां पे ये डिपोजिशन नहीं होता, ठीक है, जहां पे ये डिपोजिशन नहीं होता उस रीजन को क्या बोलते हैं, उस रीजन को बोला जाता है बेटा स्टोमियम, शायद यहाँ पे दिख रहा होगा STOMIUM, उस रीजन को स्टोमियम बोलते हैं, है ना। इसी तरह से पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, जहां पर क्या होता है वेयर सम प्लेसेस इन एंडोथीशियम, सम प्लेसेस इन एंडोथीशियम वेयर जहां पे क्या होगा, ये आपका अल्फा फाइबर्स एंड कैलोज बैंड अब्सेंट, जहां पे ये प्रेजेंट नहीं होंगे बेटा। इसका मतलब हम सिंपल ये बोल सकते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था आपको, ठीक है, डिहाइसेंस का मतलब बताया था मैंने, डिहाइसेंस का मतलब ये होता है जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो एक प्रेशर डेवलप होता है, पोलन ग्रेन अंदर बन चुके होते हैं अच्छे से, उस कंडीशन में ये वॉल ब्रेक होती है, पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं, इसे बोलते हैं डिहाइसेंस ऑफ एंथर बोलते हैं इसे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कहां से होता है, स्टोमियम से होता है, ऐसा रीजन जहां पे प्रेशर डेवलप होने से वॉल ब्रेक हो सकती है उस जगह से होगा, और स्टोमियम ही एक ऐसा रीजन है जहां पे ये जो थिकनिंग्स है अल्फा फाइबर्स की और कैलोज बैंड की वो अब्सेंट है, तो ये क्या होगा, ब्रेक होगा इस रीजन से स्टोमियम से, और एंथर से पॉलन ग्रेन एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे और पॉलिनेशन अचीव हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट टू लेयर्स कंप्लीट हो गई, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड लेयर जिसका नाम क्या है, मिडिल लेयर, ठीक है, मिडिल लेयर, और उसके बाद हम लास्ट लेयर पढ़ेंगे टैपेटम, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेयर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेयर है जो मैंने आपको बताई, मिडिल लेयर, ठीक है। फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकंड लेयर एंडोथीशियम, एंड थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर। अब देखिए मिडिल लेयर क्या है, मिडिल लेयर की जो थिकनेस, अभी तक हमने दो लेयर देखी उनकी थिकनेस क्या है, सिंगल सेल थिकनेस है, लेकिन यहाँ पे 1-3 cell थिकनेस हो सकती है, ठीक है, 1-3 cell थिकनेस हो सकती है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ये पॉइंट, इसकी जो थिकनेस होती है 1-3 cell ठीक, ये 1-3 cell ठीक होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, मिडिल लेयर पैरेन्काइमेटस सेल से मिलके बनता है, मिडिल लेयर पैरेन्काइमेटस सेल से मिलके बनता है, ठीक है, ठीक है, ये बनता है किससे, पैरेन्काइमेटस सेल्स, किससे मिलके बनता है बेटा, पैरेन्काइमेटस सेल से मिलके बनता है, और ये हमने डिटेल स्टडी कर रखी है 11th क्लास में, इनका काम क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो सेल्स होते हैं ये मिडिल लेयर में फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स स्टोर फूड इन मिडिल लेयर, इन मिडिल लेयर, एमएल लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इसकी जो थिकनेस होती है मिडिल लेयर की 1-3 cell थिकनेस होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है बेटा, कि ये फॉर्म्ड होता है पैरेन्काइमेटस सेल से, मतलब मिडिल लेयर जो बनी होती है वो पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि पैरेन्काइमेटस सेल इस लेयर में फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। क्लियर है, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा बेटा क्या है, मिडिल layer is middle layer is ephemeral in nature, ephemeral in nature, ठीक है, ephemeral in nature का मतलब क्या है बेटा, short lived मतलब ये ज्यादा समय तक आपको एंथर में ये लेयर दिखाई नहीं देगी, ये लेयर एंथर में आप कुछ पर्टिकुलर टाइम तक ही ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसके बाद ये लेयर आपको मिडिल लेयर नहीं दिखाई देती एंथर में, मिडिल लेयर इज एफिमिरल इन नेचर, शॉर्ट लिव्ड होती है, और उसके बाद एंथर में ये क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। मतलब हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट और लिख सकते हैं, ये डिसअपीयर इन मैच्योर एंथर,
मैच्योर एंथर में ये लेयर डिसअपीयर हो जाती है, लेयर आपको दिखाई नहीं देगी जो अभी हम पढ़ रहे हैं। मैच्योर एंथर का मतलब आपको पता ही, जब एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बन जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, मैच्योर एंथर बोला जाता है। जिस टाइम पे एंथर तैयार है किस चीज के लिए, डिहाइसेंस के लिए तैयार है कि अब वॉल ब्रेक होगी और पॉलन ग्रेन एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, उस कंडीशन को बोला जाता है मैच्योर एंथर। तो उस टाइम पे ये लेयर आपको उसमें नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, अभी रीजन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले हम अपनी लास्ट लेयर पे चलते हैं, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा साथ के साथ। अब हम नेक्स्ट लेयर को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेयर है हमारी लास्ट टैपिडर्म, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आएंगे कुछ। लास्ट लेयर है टैपिडर्म और ये एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। टैपिडर्म को क्या बोला जाता है, फर्स्ट पहला पॉइंट तो सिंपल है, क्या सिंगल सेल थिक, ठीक है। कुछ पॉइंट्स इधर लिख देता हूँ, उधर का स्पेस इसलिए छोड़ देता हूँ, यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे हम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये है सिंगल सेल, सिंगल सेल थिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं टैपिटम के बारे में कि ये इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ये एंथर की या माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे अंदर वाली लेयर है और सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट हम ये भी लिख लेते हैं, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, एंथर की इनर मोस्ट लेयर है, क्लियर है। अब आप देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इस लेयर को न्यूट्रेटिव लेयर भी कहा जाता है। इस लेयर को क्या बोला जाता है बेटा, न्यूट्रेटिव लेयर भी बोला जाता है। ये तो मैं यहीं पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसका, ताकि आपको बिल्कुल ध्यान रहे। न्यूट्रेटिव लेयर क्यों बोला जाता है, अभी बता रहा हूं मैं, इसका एक रीजन बचा हुआ है, इसका एक साथ बताऊंगा मैं आपको। टैपिटम एक न्यूट्रेटिव लेयर है, ये डायरेक्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है किसे, पॉलन ग्रेन्स को, अभी डिस्कस कर रहा हूं। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर। अब आप खुद सोचिए, ये एक इनर मोस्ट लेयर है एंथर की, सबसे अंदर वाली लेयर, और एंथर के अंदर क्या रखे हुए बेटा, चार चैम्बर, जिन चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलन सैक। तो इसका मतलब पॉलन सैक के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कौन सी लेयर आएगी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर या टैपिटम, क्लियर है, अंदर वाली लेयर है। तो टैपिटम ही डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगी किसके, पॉलन सैक के। तो हम यहां पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, पॉलन सैक इज सराउंडेड बाय किससे सराउंडेड होगी, टैपिटम से, सराउंडेड बाय टैपिटम, ये भी ध्यान रखिए। तो तीन पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, एक तो क्या है, सिंगल सेल थिक लेयर होती है, सेकंड ये इनर मोस्ट लेयर है एंथर की, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉलन सैक जो होता है, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स बनने वाले हैं, वो किससे सराउंडेड होती है, टैपिटम से, और टैपिटम को एक न्यूट्रेटिव लेयर बोला जाता है, क्लियर। अब देखिए, अब मैं कुछ आगे के पॉइंट बताने से पहले यहाँ पर रोक देता हूँ, कुछ समझा देता हूँ। इसे न्यूट्रेटिव लेयर इसलिए बोला जाता है बेटा टैपिटम को, क्योंकि ये फूड को एब्जॉर्ब करके पॉलन ग्रेन्स को पहुंचाती है, अंदर जो बन रहे हैं ना पॉलन सैक के अंदर, जो पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं पॉलन ग्रेन, उन्हें फूड प्रोवाइड करने का काम टैपिटम का होता है। लेकिन इसके पास फूड नहीं होता, ध्यान रखिएगा, टैपिटम के पास फूड नहीं होता, ये क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है, किसी दूसरे से मांगता है, और वो मांगने का काम किससे कर रहा है, ये मिडिल लेयर से, साफ दिखाई दे रहा है आपको। ये फूड किससे लेगा बेटा, मिडिल लेयर से, क्यों, क्योंकि मिडिल लेयर के पास फूड स्टोर है, स्टोर फूड, मिडिल लेयर फूड को स्टोर करके रखती है, तो उस स्टोर्ड फूड को ये क्या करता है, इससे मांगता है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रिटिव लेयर, क्योंकि दूसरे से फूड को लेके डायरेक्ट पॉलन ग्रेन्स के लिए अवेलेबल कराता है, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को फूड प्रोवाइड कराता है, दूसरी लेयर से मांग के, यहां से लेता है मिडिल लेयर से और अवेलेबल करा देता है, इसीलिए टैपिटम को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिटिव लेयर बोला जाता है, क्लियर है। तो चार पॉइंट डिस्कस किए हमने। अब आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, मैंने यहां पे लिखा था क्या, शॉर्ट लिव, या मैंने ये लिखा था डिसअपीयर इन मैच्योर एंथर। जब टैपिटम इससे फूड ले लेगी मिडिल लेयर से, ठीक है, फूड ले लेगी मिडिल लेयर से, तो मिडिल लेयर का क्या रोल, कोई रोल नहीं है, मिडिल लेयर का काम यही तो है भाई कि ये फूड को स्टोर करके रखती है। अब जब फूड यहां से हमने ले लिया है इससे और ट्रांसफर कर दिया है फूड, तो इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो ये डिजनरेट हो जाती है, तो डिसअपीयर इन मैच्योर एंथर, उस टाइम पे ये लेयर आपको नहीं दिखाई देगी, तो मिडिल लेयर का रोल खत्म। अब बात करते हैं टैपिटम,
टेपिटम ने फूड ले लिया है, लेने के बाद वो ट्रांसफर कर दिया बेटा किसे, ट्रांसफर कर दिया किसे, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को जो पॉलन सैक के अंदर बन रहे हैं। तो जब इसने भी फूड ट्रांसफर कर दिया तो इसका भी रोल खत्म, टेपिटम का भी। तो ये लेयर भी आपको नहीं दिखाई देती मैच्योर एंथर में। क्लियर है आपको समझ में आ रही? तो मैं यहां ये वाला पॉइंट भी लिख देता हूं कि ये लेयर भी डिसअपीयर हो जाती है, दिस लेयर ऑल्सो, दिस लेयर ऑल्सो डिसअपीयर इन दिस लेयर ऑल्सो डिसअपीयर इन मैच्योर एंथर। मैच्योर एंथर में ये लेयर भी आपको दिखाई नहीं देती बेटा। यहां तक कोई दिक्कत है बताइए, है ना? अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस ये करने वाला हूं कि जो ये टेपिटम है इसके जो सेल्स है वो डिप्लॉयड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, अभी तक जो भी बताया उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन है। यहां तक अभी तक बोर्ड पे जितना भी लिखा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्या होती है, लेयर डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड, इसके जो सेल्स होते हैं डिप्लॉयड। लेकिन ये सेल्स डिप्लॉयड रहते नहीं है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलीप्लॉयड कंडीशन में, ये पॉलीप्लॉयड कंडीशन में चेंज हो जाते हैं या फिर मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट। पॉलीप्लॉयडी, पॉली डिप्लॉयड आपको बताया जाएगा थोड़ा, पॉलीप्लॉयडी मतलब क्रोमोसोम्स के नंबर बढ़ना, तो यहां पे क्रोमोसोम्स के नंबर भी बढ़ जाते हैं इनके सेल में। और मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब एक सेल में एक न्यूक्लियस नहीं होती, एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाती है डिवीजन के बाद। ऐसा होता कैसे है, इसके पीछे कोई तो रीजन होगा। इसके पीछे बेटा रीजन है, इस डिवीजन के पीछे एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, इसके पीछे रीजन है एंडोमाइटोसिस और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जो डिप्लॉयड डिप्लॉयड टेपिटल सेल्स को पॉलीप्लॉयड मल्टी न्यूक्लियट में चेंज कर देता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंडोमाइटोसिस पढ़ रखा है आपने, फ्री न्यूक्लियर का एक एग्जाम्पल और देखा था आपने क्या, कोकोनट, कोकोनट के अंदर जो लिक्विड होता है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से ही बनता है। वहां पे क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, तो जो वो स्ट्रक्चर होता है वो मल्टी न्यूक्लियट बन जाता है, तो वहां पे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन फ्री न्यूक्लियर एंड इससे डिवीजन से होता है। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस टेपिटम के रिगार्डिंग में, ये मैंने आपको बताई दिया, ये क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं बेटा कि ये जो टेपिटम है ये दो टाइप्स की होती है, ठीक है, टेपिटम जो है वो दो टाइप की हैं, एक तो प्रिमिटिव और एक एडवांस, एक तो है प्रिमिटिव और एक एडवांस, है ना, ये यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट चुका हूँ स्क्रीन के सामने से, ठीक है, जैसे भी आपको करना है वो आपकी प्रॉब्लम है, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट लेके नोट करें। नोट्स अवेलेबल नहीं कराऊंगा क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा लिख रहा हूँ, अदरवाइज क्या है मैं यहाँ डायरेक्ट समझा भी सकता था अगर मैं नोट्स प्रोवाइड करता तो, पूरा बोर्ड पे लिखा जा रहा है तो इसे लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे मैं लास्ट टॉपिक डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने, ये लेयर भी हमारी बेटा कंप्लीट हो जाएगी। टॉपिक वाइज पढ़िए, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए मैंने कहा बेटा कि ये जो टेपिटम लेयर है ये दो टाइप्स की होती है, है ना, फर्स्ट और सेकेंड। एक तो होती है बेटा अमीबॉइड, अमीबॉइड टेपिटम, और एक होती है ग्लैंडुलर टेपिडम, एक होती है अमीबॉइड टेपिटम और एक होती है ग्लैंडुलर, ठीक है, ये हो गया अमीबॉइड टेपिडम और ग्लैंडुलर। अब देखिए अमीबॉइड टेपिटम जो है वो बेटा एक प्रिमिटिव टाइप की टेपिटम है, प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में मिलती है जो ज्यादा एडवांस नहीं है, जबकि जो ग्लैंडुलर टेपिटम है वो एडवांस्ड एंजियोस्पर्म्स में मिलती है। और हम इस चैप्टर में स्टडी किसी कर रहे हैं बेटा, कैप्सिला की, और कैप्सिला को हमने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि वो एक एडवांस एंजियोस्पर्म है, मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक करेक्टर उसमें मिलते हैं। इसीलिए इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी प्रेजेंट है कैप्सिला में, तो आप बोलोगे टेपिटम, ग्लैंडुलर टेपिटम प्रेजेंट है सर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये एडवांस्ड टाइप की टेपिटम होती है, एडवांस्ड टेपिटम, यह एडवांस्ड एंजियोस्पर्म मिलती है, और यह होती है प्रिमिटिव, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, देखा अब मैं बताता हूं, यह समझा देता हूं आपको। सपोज मेरे पास, ठीक है, बहुत सारा सामान है
यहाँ सप्लाई करने के लिए बिजनौर में, ठीक है, कि सपोज फूड मान लीजिए आप कि मैं सप्लाई करता हूँ बिजनौर में फूड, ठीक है, जो भी गरीब होते हैं उन्हें मैं सप्लाई करता हूँ, लेकिन जाता मेरे पास से, लेकिन जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है ना, जिसे नीड है उस फूड की, जो उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, वो बंदा दूसरा है, तो मैं अपना फूड घर से प्रिपेयर करके या जैसे भी है वो उसे प्रोवाइड करता हूँ, और वो लड़का वो बंदा क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उसे नॉलेज है कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ कहाँ पे लोगों को जरूरत है उस फूड की, आसपास के रीजन में वो लेके मुझसे लेके चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एक तरीका तो ये है, मेरे पे राशन रखा हुआ है, वो मुझसे राशन लेके जाता है और फूड को बनवा के डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एक काम तो ये है कि वो ये काम डेली करे, समझ रहे हो, आज लेके गया, जितनी रिक्वायरमेंट आज लेके गया, उसने अपने हिसाब से बनवाया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नेक्स्ट डे अगेन रिपीट होगा। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है कि भाई जब मुझे ही देना है राशन, तो मैं एक काम भी तो कर सकता हूँ, मैं उसे एक साथ इकट्ठा एक महीने का राशन, दो महीने का राशन इकट्ठा दे देता हूँ कि दो महीने का राशन ये है, आप बनवाइएगा फूड और रोज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, दो महीने बाद आइएगा मेरे पास जब ये खत्म हो जाएगा। एक तरीका ये है, दो तरीके हैं। तो पहले तरीके में तो क्या है, पहले तरीके में तो सपोज ये पहला तरीका तो ये हो गया कि मैंने उसे सारा एक साथ दे दिया फूड, ठीक है, अब मेरी टेंशन खत्म है, दो महीने बाद हम मिलेंगे, ठीक है, जब आप ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उसके बाद। तो जो ग्लैंडुलर टैपिटम होती है वो यही होती है, वो एडवांस है कि वो क्या करती है, ठीक है, वो क्या करती है, थोड़ा थोड़ा फूड लेती है, किससे, मिडिल लेयर से। टैपिटम का काम क्या ही तो होता है, इसी से फूड लेना और इससे फूड लेके पास कर देना आगे माइक्रोस्पोर को। तो उस कंडीशन में क्या होता है, टैपिटम मिडिल लेयर से थोड़ा थोड़ा फूड लेती है, थोड़ा फूड लिया इसके पास आया और आगे ट्रांसफर कर दिया, फिर थोड़ा फूड और लिया इससे, इसके पास आया और आगे ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्या होता है, ग्लैंडुलर नेचर होता है, सिक्रेटरी नेचर होता है, थोड़ा थोड़ा सिक्रेट कर रहे हैं फूड। तो उस कंडीशन में ना तो ये जल्दी डिजनरेट होगा, ना ये जल्दी डिजनरेट होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा थोड़े टाइम तक, क्लियर है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ये फाइनली क्या हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी ये, ठीक है। डिजनरेट होने से पहले, ग्लैंडुलर टैपिटम डिजनरेट होने से पहले, डिजनरेट तो दोनों ही होंगी, ये तो कंफर्म है, फूड तो कभी तो खत्म हो गई होगा, समझ में आ रही है बात। तो जब ये जो लेयर है ग्लैंडुलर लेयर, ये क्या करती है, ये इसका नेचर होता है कि थोड़ा थोड़ा फूड लेती है और आगे पास कर देती है, लेकिन ग्लैंडुलर टैपिटम कभी भी फूड अपने पास स्टोर नहीं करती, इससे जितना फूड लिया आगे पास कर दिया, इससे जितना फूड लिया आगे पास कर दिया। आगे पास किसे करना बेटा, पोलन सैक के अंदर जो माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स डेवलप कर रहे हैं उसे पास कर देते हैं। तो इसे एडवांस टैपिटम बोलते हैं, और ये कैप्सुला में भी मिलती है, कैप्सुला में भी मिलती है, जिसकी स्टडी चल रही है, क्लियर है। तो इस तरह से ये फूड यहां से लेते हैं और आगे पास कर देते हैं, एडवांस टाइप की है कैप्सुला। लेकिन यहां पे डिस्कशन ये है, जब ये डिजनरेट करते हैं, डिजनरेट से पहले ये कुछ स्पेशल ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, ये ग्लैंडुलर टैपिडर्म डिजनरेट होने से पहले, अपने आप को खत्म करने से पहले कुछ स्पेशल ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, स्पेशल ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, और उन स्पेशल ग्रेन्यूल्स को बेटा बोला जाता है, प्रोयूबिश बॉडीज बोल देते हैं। अब होता क्या है, कुछ टाइम बाद इन बॉडी के सराउंडिंग में एक लेयर बन जाती है स्पोरोपोलिनिन की। कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसकी सराउंडिंग में, प्रोयूबिश बॉडी की सराउंडिंग में क्या बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, किसकी, स्पोरोपोलिनिन की, स्पोरोपोलिनिन की एक लेयर बन जाएगी। ये एक लेयर हो गई किसकी, मैं लिख देता हूं यहां पर, लेयर ऑफ ठीक है, लेयर ऑफ स्पोरोपोलिनिन, क्लियर हो गया। प्रोयूबिस बॉडी स्पेशल ग्रेन्यूल्स हैं जो ग्लैंडुलर टैपिडर्म डिजनरेट होने से पहले बनाती है, उन्हें प्रोयूबिस बॉडी बनाया जाता है। कुछ टाइम बाद उसके सराउंडिंग में एक लेयर बन जाती है स्पोरोपोलिनिन की, क्लियर है। इस स्पोरोपोलिनिन की लेयर के बाद इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला जाता है यूबिस बॉडी। अब इसे क्या बोला जाएगा, यूबिस बॉडीज बोला जाएगा। फिर ये यूबिस बॉडी कहां पे रिलीज कर दी जाती है, पोलन सैक के अंदर रिलीज कर दी जाती है, रिलीज इनसाइड पोलन, रिलीज इनसाइड पोलन सैक, पोलन सैक के अंदर इन यूबिस बॉडीज को रिलीज कर दिया जाएगा। और ये यूबिस बॉडी क्या बनाती है, आउटर मोस्ट लेयर बनाती है पोलन ग्रेन की। पोलन सैक के अंदर जो पोलन ग्रेन बन रहे हैं, उन पोलन ग्रेन्स की सबसे आउटर मोस्ट लेयर बनाने का काम होता है यूबिस बॉडीज का। और आउटर मोस्ट लेयर होती है पोलन ग्रेन की एक्साइम, जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, क्लियर है। तो ये रिलीज कर दिया जाता है पोलन सैक में, और ये क्या बनाती है, आउटर मोस्ट लेयर,
आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन, जिसे क्या बोलते हैं एग्जाइम्स, शायद दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, बाकी मैं बोल रहा हूँ साथ ध्यान दीजिए। तो सिंपल ग्लैंडुलर टैपिटम कंप्लीट हो गई। ग्लैंडुलर टैपिटम का नेचर होता है सिक्रेटरी नेचर, थोड़ा सा फूड लेके आगे सिक्रेट करती है, कभी भी फूड को स्टोर करके नहीं रखती अपने पास। ये एडवांस टाइप की टैपिटम होती है, कैप्सुला में मिलती है, सभी एडवांस एंजियोस्पर्म में मिलती है। ये कुछ डिजनरेट होने से पहले, डिसअपीयर होने से पहले ये क्या करती है, कुछ स्पेशल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करती है जिन्हें प्रोयुबिस बॉडी बोलते हैं। प्रोयुबिस बॉडी के सराउंडिंग में एक स्पोरोपोलिनिन की लेयर बन जाती है, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन की एक लेयर बन जाती है। उस स्पोरोपोलिनिन की लेयर बनने के बाद इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला जाता है यूबिस बॉडी। फिर यूबिस बॉडी को रिलीज कर दिया जाता है पोलन सैक के अंदर, पोलन सैक के अंदर प्रेजेंट है पोलन ग्रेन। तो ये यूबिस बॉडी पोलन ग्रेन्स के सराउंडिंग में एक लेयर बना देती है जिसे बोला जाता है एग्जाइम। ये लेयर कंप्लीट होगी। अब आ जाते हैं अमीबॉइड टाइप। मैंने दूसरा तरीका आपको क्या बताया था, मैंने सारा सामान एक साथ दे दिया कि ठीक है भैया, अब आपकी टेंशन है, मेरी टेंशन नहीं है। उस टाइम पे क्या होगा, ये डिजनरेट, ये लेयर तो एकदम डिजनरेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने अपना सारा फूड इसे दे दिया, क्लियर, एक बार में, तो इसका रोल खत्म, ये इमीडिएटली डिजनरेट हो जाएगी उस कंडीशन में। इसे ये आपको दिखाई नहीं देगी फिर ये लेयर। अब आप क्या होगा उस कंडीशन में, ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में मिलेगी सभी में। रेडिस्केंटिया इसका एक एग्जांपल होता है, प्रिमिटिव टैपिटम बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बेटा, इसमें अमीबॉइड में ये क्या करता है, ये भी डिजनरेट होती है लेकिन ये स्टोर भी करती है कुछ टाइम के लिए। भाई जब इसने सारा फूड एक साथ ले लिया, मैंने जो सारा फूड दिया है, सारा राशन दिया है किसी दूसरे बंदे को, तो वो अपने पास अब स्टोर तो करेगा ही, ऐसा तो है नहीं उसे एक ही दिन में बांट देगा, क्योंकि मैंने उसे दो महीने के लिए दिया है वो राशन, तो वो क्या करेगा, अब अपने पास स्टोर करेगा। तो उस कंडीशन में ये स्टोर करने लगती है फूड को, स्टोर फूड जो इससे इसने एक साथ ले लिया सारा फूड, उसे कुछ टाइम के लिए स्टोर करेगी। तो ध्यान रखिएगा, ग्लैंडुलर टैपिटम ये कभी भी फूड को स्टोर नहीं करती, जबकि अमीबॉइड टैपिटम जो प्रिमिटिव टाइप की है वो स्टोर करती है फूड को, उसके बाद ये रिलीज कर देगी, धीरे धीरे रिलीज करेगी। तो ये डिजनरेट होगी, बाद में ये डिजनरेट हो जाएगी। लेकिन अमीबॉइड टैपिटम जो डिजनरेट होती है, डिजनरेट होने से पहले ये एक स्पेशल टाइप की ग्रेन्यूल्स बनाती है ये लेयर भी, उन ग्रेन्यूल्स को बोला जाता है प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। और ये क्या होती है, ये खुद डिजनरेट हो जाती है और सारा फूड किसे देके चली जाती है, पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन को, ठीक है, वहां से वो प्रोटोप्लास्ट से थोड़ा थोड़ा फूड लेते रहते हैं। तो ये एक ऐसी टैपिटम है जो अपने आप को डिजनरेट करके दूसरे को फूड प्रोवाइड करती है, क्लियर है, जबकि इसने ऐसा नहीं किया था, तो धीरे धीरे फूड प्रोवाइड करती रही थी, उसके बाद में डिजनरेट होती जब सारा फूड कंप्लीट खत्म हो गया था, जबकि इसके पास फूड था और उसने वो फूड कन्वर्ट कर दिया था किसमें, एक स्पेशल ग्रेन न्यूज में, ये फूड को कन्वर्ट कर दिया स्पेशल ग्रेन न्यूज, और वो स्पेशल ग्रेन न्यूज को बोला जाता है प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, इन ये फूड प्रेजेंट है प्रोटोप्लास्ट में। फिर ये कहां पे रिलीज कर दिए जाएंगे बेटा, ये रिलीज कर दिए जाएंगे कहां पे, पोलन सैक में। हमारी चार लेयर कंप्लीट हो गए, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, माइक्रोस्पोरेंजियम, फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकंड लेयर एंडोथीजियम, थर्ड लेयर मिडिल लेयर एंड लास्ट लेयर अमीब टैपिटम, ठीक है। तीनों के मैंने सारे चारों लेयर के मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर दिए, इससे ज्यादा एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचा, ना तो आपके एनसीईआरटी में ना कम्पिटेटिव फोकस से जो छुटा हो, यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे डिस्कस कर दिए गए इससे स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ इन फोर लेयर्स का, ठीक है, एक बार डायग्राम और देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार मैं हट गया बोर्ड के सामने से, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी करना होगा आपको। अब मैं यहाँ पे लास्ट में आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ, बस दो मिनट और लगेंगे और ये लेक्चर हमारा कंप्लीट, ठीक है, एक रफ आइडिया के हिसाब से थोड़ा सा बना देते हैं। यहां से डिस्क स्टार्ट करता हूं, मैं रफ ही बना रहा हूँ ना, नहीं तो आराम से बनाऊंगा तो अच्छा बन जाएगा, बट जो टाइम खराब कर हमें समझ नहीं तो है। तो ये सबसे बाहर की लेयर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो हमें बताया आउटर मोस्ट लेयर है। एपिडर्मिस के बाद कौन सी लेयर प्रेजेंट है बेटा,
ठीक है, सेकेंड लेयर हो गई हमारी, बना देते हैं एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। थर्ड लेयर है मिडिल लेयर, आपको बताया मिडिल लेयर जो होती है 1-3 सेल थिक होती है, तो मैं उसी हिसाब से बना देता हूँ। ये मिडिल लेयर हो गई 1-3 सेल, ठीक है ना। अब आपको पता है नेक्स्ट लेयर है कौन सी, आपको पता है, बताइए नेक्स्ट लेयर कौन सी है, टैपिटम। तो नेक्स्ट लेयर आ जाएगी टैपिटम, है ना। टैपिटम चार लेयर हो गए, देखिए आप आउटर। अब आपको पता है नेक्स्ट क्या है टैपिटम के अंदर, टैपिटम के अंदर क्या बेटा, ये पोलन सैक, टैपिटम के अंदर क्या है, ये पोलन सैक, पोलन सैक, पोलन सैक। और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स या डेवलपिंग माइक्रोस्पोर यहाँ पे प्रेजेंट है, उन्हीं को फूड प्रोवाइड करना है। सारा जो कंसेप्ट चल रहा है उन्हीं को फूड प्रोवाइड करने का कंसेप्ट चल रहा है। इसे भी मार्क कर देते हैं, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स या फिर हम क्या बोल सकते हैं डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, ठीक है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स या फिर माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर ये बनना है। अब ये देखिए मिडिल लेयर कहां पे बेटा, ये मिडिल लेयर है, इसके पास क्या है फूड प्रेजेंट है। मिडिल लेयर के पास क्या है यहां पे, इसके पास क्या है फूड प्रेजेंट है। और ये क्या टैपिटम, ये इससे फूड एब्जॉर्ब करती है और यहाँ पे ट्रांसफर कर देती है, फूड एब्जॉर्ब करती है यहाँ पे ट्रांसफर कर देती है, ये इस तरह से, ठीक है, डेवलपिंग। और ये दोनों ही लेयर क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, ये वाली लेयर बेटा मैं बता, सॉरी ये नहीं, लास्ट, ये दोनों लेयर मिडिल लेयर और टैपिटम लास्ट में आपको देखने के लिए नहीं मिलती। जब आप बात करते हैं किसी एट द टाइम ऑफ डिहाइसेंस, एट द टाइम ऑफ डिहाइसेंस जब आप एंथर को ऑब्जर्व करते हैं या फिर मैच्योर एंथर को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें सिर्फ आपको दो ही लेयर मिलती है। दोनों लेयर कौन सी है बेटा, एक तो एपिडर्मिस और एक एंडोथीशियम, ये दोनों नहीं मिलती। क्यों डिजनरेट हो जाती है, पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया, ये डायग्राम भी हो गया हमारा, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे डेवलप होते हैं अंदर, उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या होती है, देखो फाइबरस थिकनिंग्स होती हैं, बताया था यहाँ पे, एक तो रेडियल वॉल्व है, ये रेडियल वॉल्व है और यहाँ पे कौन सी इनर वॉल्व है, यहाँ पे फाइबरस थिकनिंग प्रेजेंट होगी, ये फाइबरस थिकनिंग सेलुलोज की और कैलोज बैंड की, और ये थिकनिंग कहीं कहीं पे नहीं प्रेजेंट होगी, जहां पे प्रेजेंट नहीं होगी वहां से क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, जहां प्रेजेंट नहीं होगी ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद वहीं से क्या होंगे, ये रप्चर हो गए, ये पोलन ग्रेन्स वहां से क्या हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर, उसे बोलते हैं डिहाइसेंस ऑफ, डिहाइसेंस ऑफ एंथर, डिहाइसेंस ऑफ एंथर उसे बोल देते हैं। तो उस टाइम पे सिर्फ आपको दो ही लेयर मिलती हैं। ये हमारा बेटा यहाँ तक हो गया कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो पे ही कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, क्लियर है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप 12th में हैं तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, वो आपका आपकी प्रॉब्लम है कब आप पढ़ें, कैसे पढ़ें, अपना टाइम टेबल को कैसे मैनेज करें, तो पढ़िएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सब बच्चे वीडियोस नहीं देख रहे हैं। तो आपसे यही है कि जब यहाँ पे टीचर अपनी मेहनत कर रहा है तो आप भी अपना एफर्ट लगाएं और वीडियो को देखें और चीज़ों को समझ के अपने नोट्स बनाएं और साथ के साथ इन्हें लर्न करते चलें, ठीक है। बाकी किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो वो मैसेज कर सकता है और पूछ सकता है, ठीक है, कॉल पे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी, नहीं तो फिर हम क्या, मैंने आपको बता ही रखा है प्रॉब्लम सेशन रखेंगे हम, ठीक है, ऑनलाइन सेशन रख लेंगे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो हमारे कुछ लेक्चर्स हो जाएंगे, कुछ हमारे पास प्रॉब्लम कलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम वो सेशन रखेंगे। उससे पहले कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वो तो आप मुझसे वैसे भी पूछ सकते हैं, नंबर से पूछ सकते हैं, वहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम डिस्कस कर दी जाएंगे। तो बेटा यहाँ तक अभी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये है, इसके अंदर ये पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं, पूरा प्रोसेस पढ़ना है हमें,
वो भी काफी लेंथी प्रोसेस है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वही है। उस टॉपिक को कंप्लीट करते ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे ये पढ़ा हमने उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को लेके चलेंगे सिक्वेंस में, दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, फाइनली हम फर्टिलाइजेशन पे पहुंच जाएंगे क्योंकि हमारे पास बन जाएंगे गैमेट्स। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, मेल गैमेट बनाने का एक प्रोसेस पढ़ने वाले हैं हम कि मेल गैमेट कैसे बनते हैं, पूरा प्रोसेस को डिटेल में स्टडी हमें करना है। ठीक है बेटा, वीडियो को जब आप देखते हैं तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिएगा कि कैसी है वीडियो। ठीक है, आप मतलब रेस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं दे रहे मुझे ऐसा लग रहा है, तो आपसे यही है आप वीडियो देखिए और आप बताएं कमेंट करके और लाइक करके बता दीजिए कि कैसा है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, थैंक यू।